Disclaimer. I do not own any of the company names mentioned, nor do I own any of the music inside my videos. These are my own personal critical opinions based on my knowledge of good and bad design from past experiences with the same type of product, unless it is unique. Again, this is only my personal opinion, and I wouldn't release any of these videos unless I wanted people to trust my opinions. Unless stated at any point in my videos, I will never include any of my biased opinions. Assalamu alaikum nazreen, main hu aapka dost Fahad Jabbar, aur aaj hum aaye hain Attak ke shehar mein. यहाँ की बहुत ज़्यादा जो खानों की मकबूलियत वो तो है ही, लेकिन सर्दियों के मौसम में यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की जो मकबूलियत है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। यहाँ पर मेरी राइट साइड पे जो दुकान है ये बहुत ही मशहूर है और कोहिस्तान हुंजा के नाम से जानी जाती है। कोहिस्तान हुंजा ड्राई फ्रूट्स मेन अटक रोड पर, यहाँ से 25 किलोमीटर आगे मेन अटक का जो सिटी है वो है, और इसी रोड पर यह दुकान है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की मकबूलियत क्यों बढ़ जाती है, उनके रेट्स क्या हैं और सर्दियों में उनकी मकबूलियत ज़्यादा होने की वजूहात हमें तो पता ही, साथ में इनके जो रेट पर असर पड़ता है वो किस तरह से चेंज होता है गर्मियों का सर्दियों के लिहाज से, तो वो भी बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स नहीं, हुंजा फलूदा है इनका मिल्क शेक है, लेकिन सर्दियों का मौसम है इसलिए हम स्पेशली यहाँ पर जो है वो ड्राई फ्रूट्स की ही बात करेंगे। मेरे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अखरोट, बादाम, मूँगफली, चलगोज़ा, ये मेवा जात और ये जो मिक्सचर बनाया होता है सारी चीज़ों का, जो कि बहुत ही डिलीशियस देखने में नज़र आ रहा है हमें, और साथ में ये बादामों के अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा नारियल, खुश्क नारियल जो होता है, मीठे सौंफ हो गए, और यहाँ पर अंजीर, खजूरें, अजवा और जो इन खजूरों के अंदर क्वालिटीज़ आती हैं वो वाली, और यहाँ पर ये जो इसके अलावा अंजीरों के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं नीमकों, और सर्दियों के अंदर जितनी भी अहम चीज़ें खाने वाली होती हैं ड्राई फ्रूट्स में जानी जाती हैं वो पुराने वक्तों में माएँ जो पंजीरी टाइप बनाती थी सारा वो पीस के इनको पाउडर फॉर्म में, तो वो सर्दियों के अंदर जो हमारी सेहत के लिए और सर्दी से बचाने के लिए हमारे पास जो होता है इनका मिक्सचर वो बड़ा ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो हम यहाँ पर इस दुकान के अंदर जो हुंजा कोहिस्तान हुंजा ड्राई फ्रूट्स के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर सिर्फ अटक के अंदर ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में यहाँ से जो ड्राई फ्रूट है वो होलसेल रेट पर भेजा भी जाता है, और यहाँ पर हर क्वालिटी के अंदर अगर आप सस्ता लेना चाहते हैं तो वो क्वालिटी ज़रा लो आ जाती है, लेकिन अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी इनके पास मौजूद है, और यहाँ पर लोग दूर दूर से अपने घरों को जाते हुए जहाँ पर रुकते हैं ड्राई फ्रूट लेते हैं। यहाँ पर इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा जो है खालस शहद वो भी मुहैया होता है, और यहाँ पर जो सर्दियों की अहम सौगात है चलगोज़े वगैरह, चलगोज़े और ये ईरानी खजूरें और ये बाकी मेवा जात आप देख सकते हैं, ये इतने ज़्यादा हैं मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता, हम इनसे डिस्कस करते हैं और बाकी डिटेल जो है वो यहाँ के मालिक बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिफ खालिक। अच्छा आसिफ साहब, बताएं मुझे कि यहाँ पे जो सर्दियों और गर्मियों के अंदर खुश्क मेवा जात के रेट पर क्या असर पड़ता है, और यहाँ पर आप होल सेल पर भी देते हैं, और वो रेट में गर्मियों से सर्दियों के दौरान क्या कमी बेशी होती है? रेट में ही होती है, जो सर्दियों में तो रेट बढ़ जाते हैं क्योंकि सीज़न शुरू होता है ना इसलिए, तो गर्मियों में भी जब सीज़न नहीं होता तो रेट कम हो जाते हैं। सही। दूसरा, हुकूमत चेंज होने की वजह से कहते हैं कि इस हुकूमत ने महंगाई बहुत की है, तो इन खुश्क मेवा जात के ऊपर भी जो है रेट बढ़े हैं या क्या असर पड़ा है? जी पहले तो रेट कम थे बहुत, अभी जो हुकूमत चेंज हुई है तो रेट में भी चेंजेस आई है। आप मुझे यहाँ पे जो क्वालिटीज़ हैं आपके पास ड्राई फ्रूट्स के अंदर, और यहाँ पर मुझे जो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं उनके नाम भी नहीं पता चल रहे, तो आप ज़रा छोटा छोटा सा इंट्रो देते जाएं इनका, कि इनकी क्वालिटीज़ जो है, ये मूंगफली की लो क्वालिटी है, ये काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये क्या चीज़ है? शहतूत। ये शहतूत है जो कि खुश्क हो के इस तरह का दिखाई दे रहा है, जो मुख्तलिफ चीज़ें तैयार करने के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे ये जो है जो चीनी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है इसे क्या कहते हैं? मिस्री है, और यहाँ पे इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको ये ही बताएँगे कि इनके नाम मुझे तो नहीं पता चल रहे। आप ये बताएँ कि ये एक ही दोनों चीज़ें ये है क्या? ये दूसरे है, खुश्क खूबानी। ये खुश्क खूबानी है जो कि बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा ये मेवा जात आगे, ये अखरोट आगे, और इस मिक्सचर को क्या बोलती है? ये मिक्स, एक मिक्स रोट रोस्ट है, एक मिक्स आदा है। ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिस तरह हम फ्रूट चाट खाते हैं तो तमाम फ्रूट्स को मिक्सअप कर दिया जाता है, इसी तरह ड्राई फ्रूट्स के अंदर यहाँ पर बादाम, मेवे, अंजीर और बाकी जो अहम मेवा जात हैं सर्दियों के अंदर इस्तेमाल होने वाले खुश्क मेवा जात, उन तमाम को
एक मिक्सचर फॉर्म में दे दिया जाता है और ये भी जो है लोग मिक्स करके बड़े ही शौक से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अखरोट वैसे तो है ही, कागजी अखरोट और दूसरे भी, लेकिन उन अखरोटों के अंदर से वो जो गरी होती है वो निकाल कर दे दी गई है। इनका मुझे थोड़ा थोड़ा रेट बताते जाएँ कि ये किस तरह किलो के हिसाब से आप सेल करते हैं। ये अखरोट, ये कश्मीरी अखरोट है, ये 800 रुपये किलो है। ये बादाम, बादाम ये 1000 रुपये किलो है। ये बड़े ही जो है कलरफुल दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही वो वाइट सा कलर है इनका और बड़े ही अच्छे मालूम हो रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे ये जो मिक्स फ्रूट है ड्राई फ्रूट, इसका रेट क्या है? इसका 1800 रुपये है, इसमें सारे मेन ड्राई फ्रूट होते हैं जी। ये मिक्स जो ड्राई फ्रूट है, तमाम ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर मिक्स कर दिए जाते हैं, इसका जो रेट है वो 1800 रुपये है। इसके अलावा यहाँ पर ये मुझे क्या चीज़ है ये, क्योंकि ये ब्राज़ीली चॉकलेट है जी। ये ब्राज़ीली चॉकलेट है जी। ये मुझे तो पत्थर मालूम हो रहे थे, ये खाने के इस्तेमाल में आती है? खाने के इस्तेमाल में आती है, चॉकलेट है जी। ये देखें किस तरह की चॉकलेट है कि ये छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं या अंगूठियों के अंदर वो जो यूज़ करते हैं, मुझे तो उस तरह के मालूम हो रहे थे, लेकिन ये एक चॉकलेट है और इसका नाम क्या है? ब्राज़ील चॉकलेट। ये ब्राज़ील चॉकलेट है, हम ये भी खाते हैं। इसका जायका कैसा है? ये एक ग्रीन से कलर का है। इसका क्या रेट है? इसका 1200 रुपये किलो है जी। वाकई ये पत्थर नहीं है, इसका ना चॉकलेट है और ये ब्राज़ील की चॉकलेट है। ये 1800 रुपये किलो है। इसके अलावा यहाँ पे गुड़ के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। सर्दियों में ये जो खाने के बाद हम गुड़ यूज़ करते हैं, तो ये वैसे भी सुन्नत नबवी के तौर पे भी जाना जाता है कि गले की खराश दूर करने के लिए, और खाने के बाद गुड़ खाने से जो है वो खाना जल्दी हज़म हो जाता है। तो ये इस गुड़ का क्या रेट है? इसका 200 रुपये किलो। ये 200 रुपये किलो के हिसाब से ये गुड़ यहाँ से सेल होता है। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को गुड़ के अंदर मिक्सअप किया गया, कि मिक्सचर सा बनाया गया, इसका क्या रेट है? इसका 600 रुपये किलो। इसमें खजूर होते हैं, दूसरे और भी ड्राई फ्रूट्स मिक्स होते हैं इसमें। ये 2500 रुपये किलो है? नहीं जी, 600 रुपये। और ये 600 रुपये किलो है। और इसके अलावा यहाँ पर ये जो है आमतौर पर इनकी जो है सर्दियों के अंदर मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनका रेट बताएं और इन्हें किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? ये दूसरे चलगोजा 6500 रुपये किलो है। ये यहाँ पे चलगोजा और इसका जो रेट है वो 6500 रुपये फी किलो है। आप मुझे ज़रा ये बताएं कि इसका इतना ज़्यादा रेट होने की वजह क्या है, क्यों होता है? सर ये तो हम भी इस तरह होते हैं ना। ये आप मतलब पाकिस्तान से ही लाते हैं या इनको इम्पोर्ट करते हुए ज़्यादा जो है मसला बनता है, या क्या वजह है कि इसका रेट जो है इतना ज़्यादा होता है? नहीं सर, ये पहले चाइना जाते हैं ना, चाइना में इस तरह ये फिर होती है, वहाँ से लोग जो है ना महंगे लेते हैं, इसलिए इसका रेट जो है। चूँकि इसकी फसल जहाँ पे काश्त नहीं होती, ये बाहर से जो है इम्पोर्ट किया जाता है, और इसलिए इसकी जो मकबूलियत है वो तो होती ही है, साथ में इसका रेट ज़्यादा होने की भी यही वजूहत है। इसके अलावा यहाँ पर काजू के अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं। अब ये अंजीर के साथ यहाँ पर एक क्वालिटी में काजू रखेंगे और साथ में ये, तो इन काजू का क्या रेट है? इन काजू का सेम रेट है 2600 रुपये। ये एक रोस्ट है, नमक वाला, एक बगैर नमक का, एक अच्छा। ये नमक वाला है जी? ये नमक वाला। ये यहाँ पे नमक वाला काजू है और इनका रेट तो सेम है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटीज में ये फ़र्क आ रहा है, कलरफुल है, इसलिए इसका ये नमक लगा के ऐसा कलर कर दिया गया है। ये हल्का हल्का नमकीन फील होता है और जायकेदार है। इसके अलावा इसकी दूसरी क्वालिटी और इसका रेट 2600 रुपये फी किलो है। यहाँ पर इसके अलावा चलगोजा है, चलगोजे का जो रेट है करंट रेट वो 2000 रुपये फी किलो है। और इसके अलावा ये एक बड़ी ही अच्छी किस्म की पैकिंग मालूम हो रही है, जो इनकी खास सौगात है, जिसके अंदर ये चलगोजा, बादाम और ये खुश्क मेवा जाजू है, चार मिक्सचर इन्होंने किए हुए हैं। इसका क्या रेट है? सर इसका जो खाली पैक है वो 300 रुपये है, और इसमें जो सारे ड्राई फ्रूट डालते हैं 2000 इस तरह बन जाता है फिर। ये जो टोटल है इसके अंदर, चूँकि यहाँ पर चलगोजे का भी रेट काफ़ी ज़्यादा है, काजू का रेट भी है, और यहाँ पर रानी गरी जो है बादाम की गरी वो रखी गई, और साथ में ये जो मेवा है वो रखा गया, इसका जो टोटल रेट है वो 2000 रुपये है। वैसे आप लेते हैं, लेकिन शायद कि आपको महंगा पड़ता होगा, लेकिन क्योंकि इस तरह इस दुकान की जो एडवर्टाइजमेंट भी होती है बड़े अच्छे से बुक्स के अंदर, इन तमाम चीज़ों को डाल के जिस तरह किसी को हम गिफ्ट दे रहे होते हैं, ये उस तरह का बन जाता है। और यहाँ पे जी इनके ऊपर नेम लिखा हुआ है, साथ में इसके नंबर भी मेंशन किया हुआ है, कि अगर आपका चक्कर इस आसपास के इलाकों में लगता है तो आप ये यहाँ का जो गिफ्ट है वो 2000 रुपये में यहाँ से
देखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो खजूरों के अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, तो आप मुझे ये क्वालिटीज़ बताएं और इनके रेट में क्या फ़र्क है वो भी बता रहे हैं क्या रेट। सर ये जो ये खजूर है 800 रुपये किलो है, ये दूसरे है मबरूम खजूर है मदीने का मशहूर, उसकी कॉपी है ठीक, ये उस तरह है ना। और ये खजूर ये ईरानी खजूर है, ये चॉकलेटी खजूर कहा जाता है। इस खजूर को ईरानी खजूर या चॉकलेटी खजूर कहा जाता है, इसका जो कलर है वह चॉकलेट की तरह। और इसका रेट क्या है? इसका 600 रुपये किलो है जी। ये 600 रुपये किलो है जी। और ये वाकई ही चॉकलेट की तरह का जो कलर है वो आ रहा है, बड़ी उम्दा फील हो रही थी, जायका भी इसका काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अंजीर लगी हुई है, अंजीर का करंट रेट क्या है जी? अंजीर का 1800 रुपये किलो है। ये दूसरे एक सिल्वर वाला होते हैं वो बाज़ार से मिल जाते हैं, 400 का भी मिल जाते हैं, 600 का भी मिल जाते हैं इस तरह। ये सिल्वर के बगैर जो केमिकल से जो है ना साफ़ होते हैं वो 1800 रुपये किलो है जी। अंजीर है सल्फर से, यहाँ पर आके हमें यह भी मालूम हुआ कि अंजीर के ऊपर एक केमिकल के अंदर रखा जाता है और एक केमिकल के बगैर, ये वाला वो सल्फर या वो जो केमिकल के बगैर अंजीर है जी वो वाला है। और जहाँ पर इसका जो रेट है वो 1800 रुपये फी किलो है। इसके अलावा यहाँ पर चिलगोजे के अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, ये 1600 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से सेल हो रहा है और ये वाला 2000 रुपये फ़ी किलो है। वजह क्या है? इसको नमक लगाया जाता है, पकाया जाता है, अच्छी तरह करके सेल किया जाता है। इसके अलावा मुझे पिस्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो हाँ ये पिस्ता, तो इसका क्या रेट है? सर इसका 2000 रुपये रेट है पिस्ता, एक में इसमें नमक वाले होते हैं एक बगैर नमक वाले होते हैं। नमक वाले का क्या रेट और नमक के बगैर? नमक के बगैर सेम रेट है, 2000 रुपये नमक वाले की है और दूसरा बगैर नमक वाले। के अंदर जो दोनों वराइटीज़ हैं वो 2000 रुपये फ़ी किलो है, नमक वाला और बगैर नमक वाला भी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो निम्को है, वो बड़ी ही जो आप घर में मेहमानों के लिए इकट्ठी जाके स्टॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये रेवड़ी जिसे कहते हैं वो है, सर्दियों में मूंगफली के अंदर रात को जब आप लूडो या कोई भी गेम खेलते हैं तो अक्सर उनके साथ हम जो है मूंगफली जो है वो भी रखते हैं और वो भी खाते हैं। और मूंगफली के साथ जो सबसे अहम जायका, जो मूंगफली का जायका भी दोबारा कर देता है, बढ़ा देता है, डबल कर देता है, वो यहाँ की रेवड़ी होती है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं, ये जो छोटे होते हैं हम तो बड़े ही शौक से खाते रहे, इन्हें सूरजमुखी के बीज बोला जाता था, तो क्या हाँ ये वही सूरजमुखी के बीज ही हैं, 800 रुपये फ़ी किलो हैं। और बचपन में तो हमने बड़े ही खाए, वो छोटे छोटे होते थे लेकिन जहाँ पे ये ज़्यादा चीज़ें। इसके अलावा यहाँ ये क्या चीज़ है ये? सर ये कोकोनट पाउडर है। ये कोकोनट पाउडर का डालते हैं हलवे में इस्तेमाल होते हैं, हलवे के अंदर आप कोकोनट पाउडर जो है वो यूज़ करते हैं और इसका जो रेट है वो 800 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा जो छोटी सब्ज़ इलायची होती है उसका रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, आमतौर पर पाव में भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो इस सब्ज़ इलायची का क्या रेट है? सर ये भी वही चलौजे के मुकाबले में चल रही है, 6000 रुपये ये भी किलो है। ये सब्ज़ छोटी इलायची जो है वो भी चिलगोजा के मुकाबले में 6000 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है। इसके अलावा ये मुझे एक चीज़ देखने को मिली जो मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, इसका क्या नाम और इसका क्या रेट है? नमकीन कद्दू के बीज है। ये नमकीन कद्दू के बीज और इनका रेट क्या है? 800 रुपये किलो है जी। ये नमकीन कद्दू के जो बीज हैं बिल्कुल ही वाइट मालूम हो रहे हैं और ये 800 रुपये फ़ी किलो हैं। इसके अलावा यहाँ पर खजूर, ये छुआरा जिसे कहते हैं, खजूर को खुश करके बनाया जाता है वो है। इसके अलावा यहाँ पर चने हैं, मीठे सौंफ हैं, आम सौंफ हैं, मीठे सौंफ 320 रुपये किलो हैं और दूसरे जो सौंफ हैं वो 600 रुपये फ़ी किलो हैं। इसके अलावा ये नमकीन जो है यहाँ पर दालों के अंदर डाले जाते हैं, वो चना जाता है। और ये मुझे एक अलग ही चीज़ देखने को मिली, इसका क्या नाम है और इसका क्या रेट है? सर ये चॉकलेटी छोले। ये चॉकलेट वाले चने हैं, यहाँ पर आम चने तो हम पकाते रहते हैं, इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? सर ये लोग लेते हैं जो मतलब सालन के तौर पे बनाने के लिए या वैसे खुश्क मेवा जाते हैं वैसे खाने के लिए, इनको पकाया जाता है जैसे ही खाते हैं? खाते हैं जी। ये जो है इनका रेट क्या था? ये 480 रुपये। ये जो चॉकलेट्स वाले चने हैं ये 480 रुपये फ़ी किलो हैं। इसके अलावा जहाँ पर दूसरे चने हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। इन सर्दियों के अंदर जो है तरह तरह के खुश्क मेवाजात देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने पहले नहीं देखी थी, ये आ गए, ये शायद मैंने तो पहली दफ़ा ही देखे हैं। इनका क्या नेम और इनका क्या रेट है? सर ये फूल मकान है, ये 4800 रुपये किलो है। ये लोग लेते हैं, ये शुगर के मरीज़ होते हैं, दवाई में इस्तेमाल करते हैं। शुगर के मरीज़ों की दवाई में इस्तेमाल होने वाले जिन्हें हम फूल मखाने भी कहते हैं, ये वो है। और ये जो शुगर के मरीज़ों को सेहतयाब करने के लिए जो है वो अपनी दवाई में इसको मिक्स करके लगा
لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر چونوں کے ساتھ جو ہے یہ یوز ہوتا ہے میٹھے کے طور پہ. یہ مجھے ایک چیز ہے خشک دکھائی دے رہی, اس کا کیا نیم ہے اور اس کا کیا ریٹ ہے؟ سر یہ برازیلی کاوا ہے, اس کا 1400 روپے پرائز ہے. یہ برازیلی کاوا ہے, سردیوں کے اندر گلا تو اکثر خراب رہتا ہے لیکن یہ جو کاوا جات ہوتے ہیں یہ ہمارے گلے کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. اور یہ برازیلی کاوا ہے جو کہ کھانسی کے لیے یا سردیوں میں جو آپ کا گلا بلغم وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انہوں نے پیک کر کے رکھی ہوئی ہیں, ہم ان کا بھی ریٹ پوچھتی ہیں. یہ بادام ہے, ان کا کیا ریٹ ہے؟ سر اس کا 2200 روپے کلو ہے نا, کلمی بادام اس کو کہتے ہیں. یہ جو بادام ہے یہ کلمی بادام کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور ان کا جو ریٹ ہے وہ 2200 روپے فی کلو ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس آپ شہد کی بوتلیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے؟ سر یہ دوسرے املی کی چٹنی ہے. یہ یہاں پہ املی کی جو چٹنی ہے وہ ہے, اور اس کا کیا ریٹ ہے؟ 150. جی 150 روپے میں املی کی چٹنی یہاں پہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو مونگ پھلی ہے وہ خشک مونگ پھلی بھی ہے, نکال کے رکھی گئی ہے, ہمیں چھیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جو گچک ہے باداموں والی اور اس کے اندر وہ مونگ پھلی والی گچک, بچپن میں عام دکانوں سے تو ہم نے بڑی کھائی. یہاں پہ جو ہے اس کا بھی کافی نظارہ جو ہے عمدہ ہے, مونگ پھلی اور باداموں کو اوپر سفید قسم کا تیل لگا کر یہاں پہ رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم عام کھانے پینے کی چیزوں کی بات کریں تو خشک میوہ جات تو ہیں ہی, ان میں یہ ان کا کیا ریٹ ہے اور پھر پیک آپ کیا دیتے ہیں؟ سر یہ ڈرائی چیری ہے, اس کو ہم جو ہے نا 200 روپے پاؤ بیچتے ہیں. چیری جو ہے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ خون کی مقدار کی کمی جن کو ہوتی ہے وہ عام طور پر چیری یوز کرتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے یہ چیری مجھے دیکھنے کو ملی, اس کا جو بالکل بلیک کلر ہے اور بہت ہی بڑھیا معلوم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میں نے تو پہلی دفعہ دیکھی, ان کا کیا ریٹ ہے اور یہ کس لیے استعمال ہوتی ہیں؟ سر یہ کلونجی اور شہد مکس ہوتے ہیں, یہ ہر علاج کے لیے مفید ہوتے ہیں. کلونجی کے ذریعے جو علاج کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تھا, یہ ایسا سننے کو ہم اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم نے پہلے یہ بھی سنا رکھا کہ کلونجی کے اندر موت کے علاوہ باقی تمام جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ہوتا ہے. تو یہ وہ مکسچر بنایا گیا ہے کلونجی کا شہد کے ساتھ. اس کے علاوہ یہاں پر یہ ایک پاؤڈر سی فارم ہے, اس کا کیا نام ہے اور کس سے جڑا ہے؟ گرین ٹی ہوتی ہے نا, یہ زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں قہوے کی طرح, یہ اس طرح. یہ خنزہ والوں کی جو گرین ٹی ہے یہ وہ ہے, اور لوگ یہاں پر قہوے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے کھانے کے بعد پیٹ کے اندر جو مسئلہ گڑبڑ فیل ہوتی ہے تو وہ درست ہو جائے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک چھوٹے سے پیارے سے پیک کے اندر اس کو جو ہے وہ رکھا گیا ہے. یہ کیا چیز ہے اور اس کا کیا ریٹ ہے؟ سر یہ اسپیشل کشتہ ہے. یہ اسپیشل کشتہ ہے, اوپر انہوں نے یہ پیچ لگایا ہوا ہے تاکہ جب آپ کھولیں تو پیکنگ تبھی کھلے, ویسے کوئی ٹیسٹ جو ہے وہ کر کے کم نہ کر دیں. اس کا کیا ریٹ ہے؟ سر یہ 500 روپے پیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی پیکنگ ہے جو کہ اندر بادام اور کاجو مجھے باقی جو چیزیں ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں, اور یہ 500 روپے کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گفٹ سا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور چیز جو مجھے دکھائی دے رہی ہے, یہ یہاں پر سلاجیت. جی یہ سلاجیت ہے. یہ سلاجیت ہے, اور اس کے بارے میں جو مقبولیت کے بارے میں ہم نے سنا وہ بہت ہی زیادہ سنا ہوا ہے کہ یہ جو شیر کی غذا ہوتی ہے اور وہ شیر اس کو چاٹتا ہے, اس طرح کا ہم نے سنا ہوا ہے پہلے کہانیاں. تو یہ کیا اصل بات ایسی ہے؟ جی اصل بات ہے جی. اس کی کیا ریٹ ہے, کیا پرائس ہے اس کی؟ سر یہ 1 گرام ہے نا بوتل میں, 800 روپے جو ہے نا 1 گرام ہے, اور یہ 8 لاکھ روپے میں کلو ملتا ہے. یہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ 8 لاکھ روپے فی کلو کے حساب سے جو ہے یہ سیل ہوتا ہے. اور اس سلاجیت کا جو کلر ہے وہ کیسا ہوتا ہے, اس کو میں کھول لوں؟ یہ ذرا کھول کے دکھائیے گا. یہ جو سلاجیت ہم نے سنا کہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ بنتی ہے, یہ سیل ہوئی ہوئی ہے بڑی پکی طرح, اس کو بند کیا گیا ہے. اور یہ جو 800 روپے فی ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 800 روپے ہے, اور یہ 6 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے فی کلو کے حساب سے یہ سیل ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر اس کو 1 گرام ہی کھا لیا جائے تو آپ کو جتنا مرضی سردی نزلہ زکام لگا ہو, وہ پیٹ کی بیماریاں لگی ہوں تو اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارا جو آج مین یہ ڈرائی فروٹس کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ سردیوں کے اندر کیونکہ ان کی جو ہے مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے, یہ مین اٹک روڈ پر واقع ہیں. یہاں پہ ان خشک میوہ جات کے علاوہ یہاں پہ جو ہے ملتانی سون حلوہ جو کہ ملتان کی مشہور سوغات ہے وہ بھی رکھا گیا, اس کو ذرا کھولیے گا. اور اس کا کیا ریٹ ہے؟
سر یہ 600 روپے کے لیے ملتان کا مشہور حلوہ. یہ ملتان کا مشہور سون حلوہ جو کہ بچپن میں ہمیں بڑا ہی پسند ہوتا تھا, بادام اور جو آڑو ہے اس کے اوپر لگایا گیا ملتانی سون حلوہ کے اوپر. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے زعفران بھی رکھی گئی ہے. زعفران کا کیا ریٹ ہے؟ 600 روپے. یہ زعفران 600 روپے گرام فی گرام ہے. ایک گرام کی قیمت 600 روپے ہے اور یہ بھی مختلف طرح کی ادویات میں استعمال ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سلاجیت شہد یہ سارے آپ ان کا ریٹ تو ہو ہی گیا. ساتھ میں یہ جو مونگ پھلی ہے اس کے اندر کوالٹیز آ جاتی ہیں. یہاں پہ سردیوں کے اندر کے طرح طرح کی مونگ پھلی یوز ہوتی ہے. یہ ایک دو پیک جو ہیں بڑے بڑے یہاں پہ رکھے گئے ہیں. ان کا کیا ریٹ ہے سر؟ یہ 600 روپے. یہ مونگ پھلی جہاں سے کہاں کی ہے؟ یہ جو 600 روپے فی کلو کے حساب سے یہ مونگ پھلی ہے. تو آج تو ہم نے ان کی دکان کا ویو لیا, ان کی ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے ہمیں تو بڑا ہی مزہ آیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک تو آپ یہاں کا لوکیشن جو ایڈریس ہے وہ بتا دیں سر. یہ جو ہے نا تین میلا چوک اسے کہا جاتا ہے نا, اٹک والی اٹک جو ہے نا تین میلا چوک, تین میلا چوک پارک اوبام کے ساتھ جو ہے نا یہ ہماری جو شاپ ہے. دکان کی جو لوکیشن ہے اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی رکھ دیں گے. ہم نے آج یہاں پر ڈرائی فروٹس کے بارے میں وزٹ کیا, ان کی پرائس کے بارے میں, ہمیں تو بڑا ہی مزہ آیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہول سیل ریٹ پر یہاں سے جو ہے وہ قیمتوں کے اندر کمی کے طور پہ بھی لوگ جاتے لے کے جاتے ہیں تاکہ اپنے طور پہ سیل کر سکیں؟ جی سر, اس طرح ہو سکتا ہے. ہم بڑے بڑے مارٹ کو جو ہے نا وہ آرڈر دیتے ہیں, ہم اس کے لیے بھی آرڈر تیار کرتے ہیں ہول سیل پہ. یہاں پہ یہ صرف خود ہی فیملیز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہیں وہ تو یہ ساری چیزیں دیتے ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ریڈی لگانا چاہتے ہیں ڈرائی فروٹس کے بارے میں, کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ ہم ان کا فون نمبر جو ہے وہ بھی اپنی ڈسکرپشن میں رکھ دیں گے. آپ اس کو بھی دیکھتے ہوئے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. سردیوں کے اندر یہ جو مشہور ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان کی مقبولیت میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے, ساتھ میں جو ہے ان کی جو قیمتوں کے اندر بھی زیادہ سے وہ کمی بیشی ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتا ہے ریٹ ان کا. یہاں پہ طرح طرح کے جو مشہور ڈرائی فروٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور انسان کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے. سردیوں میں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت رکھی ہے کہ جن جو ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جو نزلہ زکام کھانسی یا وہ جو سردی فیل ہونا ہوتی ہے تو وہ نہیں ہوتی. اور یہاں پہ اس علاقے کے اندر اٹک میں چونکہ سردی کی جو ہے وہ زیادہ سردی بڑھ جاتی ہے اور اس علاقے میں سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تو مقبولیت ہے ہی, لیکن پنجاب اور باقی علاقوں میں بھی اس کی کافی مقبولیت ہے. ہمیں آج کی ویڈیو شوٹ کرنے کا بڑا ہی مزہ آیا. اگر آپ کو بھی ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ ایسی ہی مزے مزے کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریے گا. اپنے دوست فہد جبار اور اس کی پوری ٹیم مجاہد بھائی اور ہمارے کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.